हाँ जी हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, केतन बात कर रहा हूँ शाहपुर जी से। हाँ केतन बोलो। आपकी बात हुई थी मेरे से, आपका 3 BHK का रिक्वायरमेंट है ना सर? करेक्ट। हाँ अभी सर एक्चुअली हमारा ये प्रोजेक्ट का रेरा नहीं आया, ये प्री लॉन्च फेज चालू है। करेक्ट। हाँ तो अभी हम लोग हमारे जो क्लाइंट्स है ना उनसे 45,000 का टोकन अमाउंट ले रहे हैं, विच इज रिफंडेबल अमाउंट। ओके, सबको वो 45,000 के सामने क्या फायदा मिलेगा सर? उसको आपको एक प्रिफरेंस जनरेट होगा, लाइक ऐसे लिखा हुआ है टोकन नंबर, ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं सर, आपको एक टोकन नंबर दिया जाएगा रिसिप्ट पे। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन मुझे कोई प्रेफरेंस मिलेगा ऐसे कहीं लिखा हुआ है? हाँ हाँ सर, आपको उसी हिसाब से ही बुलाए जाएंगे। जैसे कि नहीं, मुझे प्रेफरेंस मिलेगा ऐसे कहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब सर क्या बोल रहे हो आप? हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रोसेस समझा रहा हूँ सर आपको। नहीं नहीं तुम मुझे प्रोसेस समझा रहे हो, लेकिन प्रोसेस में हर चीज लिखा हुआ होना जरूरी होता है। अब तुम अगर कोई प्रॉमिस दे रहे हो मुझे, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि एक बंदे ने मुझे फोन किया था और उसने मुझे प्रॉमिस किया। अरे वो जो प्रॉमिस कर रहे हो वो प्रॉमिस कहीं पे लिखा हुआ होना चाहिए ना। हाँ सर, ये EOI का फॉर्म रहेगा सर, वो आपको भेजेंगे। वो EOI फॉर्म में प्रॉमिस लिखा हुआ है? हाँ सर, आपको एक रिसीट भी मिलेगी, आपको एक नहीं, मुझे रिसीट मिलेगी, ठीक है, मैं पैसे दूंगा तो हाँ, रिसीट मिलेगी। वापस मैं पूछ रहा हूँ, मुझे जो बेनिफिट मिलेगा वो कहीं पे लिखा हुआ है क्या? हाँ सर, आपको कहाँ लिखा हुआ है? हाँ सर, कहाँ पे लिखा हुआ है? आपको सर वही तो बता रहा हूँ, समझाने तो दीजिए। बोलो ना सर, आप जैसे कि आप अगर आज करते हो तो मुझे आपको एक टोकन नंबर मिल गया 420 का, तो एक आपका ये नंबर रहेगा 420, तो फिर हम उसी हिसाब से ही बुलाते, लाइक आपसे पहले 419 क्लाइंट्स को बुलाएंगे, 419, फिर आपका नंबर आएगा 420, तो फिर आपको आपके आप या हमारे प्रोजेक्ट में 1000 यूनिट्स है, तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ये 600 यूनिट में से कोई भी आप चूज कर सकते हो, ऐसा होता है वो। ऐसा तुमने बताया मुझे? हाँ ऐसे ऐसे तुमने मुझे बोला, ऐसे तुमने मुझे बोला। ओके, तुमने बोला तो ये शाहपुर जी पालन जी का प्रॉमिस नहीं है, ये तुम्हारा प्रॉमिस है। नहीं ऐसे दूसरा कोई बंदा फोन करेगा वो कुछ और बोलेगा। मेरा सवाल ये है, तुम जो प्रोसेस मुझे समझा रहे हो, कहीं पे लिखा हुआ मुझे मिल रहा है क्या? तो आपको यही टोकन नंबर दिया जाएगा और यही वो टोकन में क्या लिखा हुआ है? वो टोकन में ये मुझे बेनिफिट मिल रहा है ऐसे लिखा हुआ है क्या? बेनिफिट सर आपको यही मिलेगा कि जितने जल्दी आप करते हो तो आपको यही बेनिफिट लिखा हुआ है क्या? हाँ सर यही लिखा होगा। कहाँ लिखा होगा? जब आएगा ना, जब कहाँ लिखा होगा, जब आप टोकन अमाउंट करो, मैं आपको चाहे तो EOI फॉर्म दे देता हूँ। EOI फॉर्म मैंने पढ़ लिया। हाँ सर, EOI फॉर्म मैंने पढ़ लिया और उसमें ऐसे नहीं लिखा हुआ है, और उल्टा इसमें ऐसे सब लिखा हुआ है कि कोई भी सेल्समैन ने कुछ भी समझाया हो, ब्रोशर में कुछ भी समझाया हो, एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी समझाया हो, सब कुछ गलत निकल सकता है, कुछ भी एक्यूरेट नहीं है। ऐसे मैं मानता हूँ रेरा नहीं आया ना, तो फ्लोर फैन वगैरह रेरा तुम्हारा जो रेरा आया हुआ प्रोजेक्ट है ना, हाँ फेज वन, उसका जो उसका जो EOI फॉर्म है ना, हाँ, वो मुझे भेजा गया है और उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि किसी भी चीज पे भरोसा नहीं कर सकते हो, ब्रोशर में जो लिखा है वो भी नहीं, एडवर्टाइजमेंट में लिखा है वो भी नहीं। ओके, कुछ भी मुझे बताया जाता है किसी भी हालत में, किधर से भी बताया जाता है, सब कुछ गलत हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है, ऐसे मैं कबूल करता हूँ और मैं 45,000 रुपया दे रहा हूँ ऐसे लिखा है। और सर अगर आपको जिस दिन अलॉटमेंट के दिन आपको बुलाएंगे, अगर आपको कुछ भी पसंद नहीं आता प्रोजेक्ट का, या समझो कारपेट एरिया पसंद नहीं आया, प्राइसिंग का कुछ इश्यू है, या आपको कुछ भी पसंद तो मुझे 60 दिन के बाद पैसे के लिए आप, हाँ सर, तो 60 दिन के लिए मेरे पैसे तुम्हारे पास पार्क रहेंगे, शाहपुर जी पालन जी के पास या ये कंपनी के पास पार्क रहेंगे, करेक्ट? हाँ हाँ करेक्ट। 60 दिन के लिए तुम मुझे तुम्हारे पैसे मेरे पास पार्क करोगे? नहीं सर, बस आपको एक ही मेल करना होता है रिफंड के लिए, फिर उसके बाद नहीं नहीं वो ठीक है, फिर उसके बाद 60 दिन। हाँ हाँ 60 दिन सर, तो 60 दिन के लिए मेरे पास पैसे पार्क करोगे क्या? मैं भी लिख के देता हूँ। हाँ सर, लिख के हो जाएगा, 60 डेज के अंदर ही हो जाएगा। 50,000 भेजो, 50,000 भेजो। क्या बोल रहे हैं सर आप? 50,000 रुपीज भेजो, मैं शाहपुर जी पालन जी ने बोला है इंटरेस्ट नहीं देने वाले हैं, मैं इंटरेस्ट दूंगा तुमको, चलो 50,000 भेजो। क्या बोल रहे हो, मुझे समझा नहीं आता। हाँ मैं समझाता हूँ ना। अच्छा तुम कह रहे हो कि 50,000 रुपीज 45,000 रुपीज मुझे शाहपुर जी के अकाउंट में डालना चाहिए। हाँ अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो वो 60 डेज के बाद या 60 डेज के अंदर, हाँ ओके, मुझे पैसे लौटाएंगे।
60 महीने के लिए वो मेरा पैसा रखेंगे, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं देंगे, दो महीना मुझे इंटरेस्ट भी नहीं देंगे, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं देंगे, ऐसे वो लिख रहे हैं। मैं तुमको कह रहा हूँ मैं तुमको इंटरेस्ट दूंगा, ओके 50,000 भेजो, ₹50,000 भेजो ना, मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तुम्हारा फायदा करवा रहा हूँ। चलो, अरे यार क्या बात कर रहे हो आप, अरे FD में 5% मिलता है आजकल यार, मैं 10% दूंगा, चलो भेजो अभी, भरोसा है सर? इज्जत इज्जत भाई, सब लोगों की इज्जत है, मेरी भी तो इज्जत है। हाँ सर, तो मेरे इज्जत पे तुम भरोसा करो और भेजो ना। हाँ वो सब ठीक है, पर मुझे क्या फायदा होगा, 10% इंटरेस्ट दूंगा। अरे इतना है ही नहीं तो कहाँ से देता, वो प्रॉब्लम है। चलो 5,000 निकलता है, 5,000 भेजो, चलेगा? तो मैं शाहपुर जी पालोन जी नहीं हूँ, 5,000 भेजो, प्रूफ क्या रहेगा? हाँ प्रूफ, अभी प्रूफ पे आ गए, मैं लिख के देता हूँ, मैं लिख के देता हूँ, जैसे वो भी लिख के दे रहे हैं मैं भी लिख के देता हूँ। इतना बड़ा ब्रांड है सर, आप ब्रांड, अरे वही तुमको पता है, ये शाहपुर जी पालोन जी के नाम से नहीं है, ये इमेज रियल्टी के नाम से है, घंटा ब्रांड है इमेज रियल्टी, अब तो उनका टायर घंटा ब्रांड है इमेज रियल्टी। हाँ तो लेकिन उसका ब्रांड कहाँ गया? शाहपुर, वो टाइप होगा वो अंदर बॉक्स के अंदर कहीं पे शाहपुर जी भी बैठा हुआ है 50% वाला शेयर लेके, लेकिन ब्रांड इमेज तो ये इमेज रियल्टी का है, शाहपुर जी का ब्रांड भी नहीं है। हाँ तो फिर ठीक है ना, तो मेरा भी ब्रांड नहीं है, तो मैं 5,000 मांग रहा हूँ, चलो निकालो भेजो, मैं बैंक अकाउंट नंबर सब भेजता हूँ। हाँ ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी देख रहे हो कि नहीं सर? नहीं क्या कर रहा है? नहीं नहीं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, तुम देखो तुम कमीशन ढूंढ रहे हो, तुम कमीशन ढूंढ रहे हो, मैं मेरा तो कुछ प्रॉफिट ही नहीं है ना, तुम्हारे जैसे 5 लोगों से मैं जमा करके उनको भेजता हूँ, मैं तुम्हारे जैसे 5 लोगों से 5,000 लेके 9 लोगों से, तो हो गया मेरा 45, फिर मैं वो UI डाल दूंगा। अच्छा ठीक है, और तुम लोगों को मैं 10% इंटरेस्ट दूंगा। इसमें लॉस ही है ना फिर आपका? मेरा होने दो ना, मेरा होने दो ना, मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, नहीं वो तुम लोगों को मैं रिस्क डाल रहा हूँ, मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, उनसे वापस आएगा मैं तुमको दे दूंगा, और उसका वापस तो आ ही जाएगा सर आपको, वो तो टेंशन नहीं है, वो टेंशन नहीं है, वैसे तुम कह रहे हो। हाँ सर, आपको कभी प्रॉब्लम आया है सर ऐसा शाहपुर जी से कि आपको पैसा? शाहपुर जी से बहुत सारे जिनको प्रॉब्लम आया है उनको प्रॉब्लम आया है मेरे भाई, जो लोगों ने उनपे भरोसा किया है वो अटके भी है, बहुत लोग अटके पड़े उनके वो शब्दों पे भरोसा करके। वो जो फेज वन था ना सर, मैं बता देता हूँ आपको, जो फेज वन था ना वो 5 दिन में बिक गया था, 650 यूनिट्स 5 दिन तो ठीक है यार, इसीलिए सर इतना सक्सेस था ना, इसीलिए फेज टू हम लोग ने 2 महीने बाद ही लॉन्च किया, लाइक लॉन्च हुआ नहीं है पर प्लानिंग लॉन्च किया, मतलब प्रोसेस को चालू किया। तुम तो मार्केटिंग कर रहे हो यार, हमने लॉन्च किया बोल रहे हो, मतलब मुझे शाहपुर जी से बात करते हुए कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सर? हाँ कंपनी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो क्या? हम रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा है तुम कमीशन पे हो, तुम पगार पे हो, तुम लोग UI कलेक्ट कर रहे हो, जाओ बच्चे लोग UI कलेक्ट करो, शाहपुर जी पालोन जी का नाम बोलो, सब लोगों को एकदम लगेगा अरे अरे शाहपुर जी पालोन जी, भाग भाग के UI दे देंगे, ठीक है? हाँ, तो होगा जनता ऐसे, होगा जनता ऐसा, ऐसा जनता भी होगा। हाँ, वो तो रहा है लाइक हम रहे हम, हाँ तो ठीक है ना, मुझे वो जनता में शामिल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, चलो ठीक है, जैसे लॉन्च होता है फिर लॉन्च के बाद ही आपको कॉल करेंगे। हाँ लॉन्च हो जाने दो, अच्छे से लॉन्च हो जाने दो, लॉन्च क्या थोड़ा बिल्डिंग तैयार हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं। ठीक है चलो। हेलो, हे साकार, आई हाँ गुड इवनिंग सर, कैसे आप? गुड इवनिंग, बस मजे में। अच्छा सो यू गॉट द रेरा नंबर राइट? न्यू रेरा नंबर यू गॉट? हाँ फेज वन वाले रेरा नंबर है तो अभी आ चुका है काफी, तो भेज दो ना। हाँ फेज वन का रेरा नंबर, हाँ भेजो ना मुझे रेरा नंबर तो भेजो जी। लेट मी टेक अ लुक अपना EOI फॉर्म, सो व्हाट यू आर सेइंग इज नया EOI फॉर्म नहीं आया है, ओके? सो यू आर बेसिकली सर्कुलेटिंग द ओल्ड EOI फॉर्म, बिकॉज फेज वन की भी इन्वेंट्री है सर अपने पास। हाँ फेज वन की इन्वेंट्री है, लेकिन फिर वो EOI में नहीं जा रहा है ना, फेज वन का यू आर नाउ कलेक्टिंग दिस थिंग टोकन, टोकन नॉट EOI। हाँ सर वही, अभी वही चालू है अभी फिलहाल।
तो जैसे अपने फेसबुक का भी आ जाएगा कुछ दिन में, तब तक मैं आपको एक इमेज भेज देता हूँ सर, उसके नीचे में रेरा नंबर वगैरह सब मेंशन है। ठीक है, मुझे रेरा नंबर भेज दो बस। या जी जी, तुरंत भेज दो। ओके, लेट मी टेक इट। थैंक्स। हाँ जी, हेलो साकर। हाँ जी सर। अच्छा, व्हाट यू सेंट मी, ये डेट दिखा रहा है कि 6 अप्रैल को इसको ये रजिस्टर किया था, अपडेट किया था। हाँ, ये रेरा आ गया था सर अपना। हाँ तो, लेकिन आपने जो नंबर भेजा वो पुराना है क्या? यहाँ भी टावर 1 ओक, ये तो पहले ही से ही था ना। हाँ, ये फेज 1 का ही है, फेज 1 का है। पहला टावर का नाम ओक है, फिर सेकंड का 2 एंड 5। एक मिनट, आपने मुझे जो भेजा रेरा आ गया है, तो वो कौन सा नंबर भेजा है मुझे? फेज 1 का है सर। फेज 1 का नंबर भेजा है, लेकिन आपका आपने बोला रेरा नंबर आ गया है, राइट? हाँ, ये रेरा टावर। एक मिनट, स्लो डाउन। सी, वॉट यू हैव सेंट मी इज रेरा नंबर, यू सेंट मी ब्रोशर ऑफ यहावी टावर 1 ओक, यस, विच वॉज रजिस्टर्ड ऑन 6th, एंड एक्चुअली रजिस्ट्रेशन हुआ है ऑन 26 जनवरी 2021। यस सर, ठीक है। आपने जो आपने उस चीज का भेजा जो ऑलरेडी उसका था, अभी आई एम आस्किंग यू, नया जो है जिसका आप तभी 2-3 दिन पहले जब हमने बात किया था, रेरा नंबर नहीं आया था। जी जी जी, वो आप बोल रहे हो रजिस्टर रेरा आ गया है बोल रहे हो, वो नहीं आया है ना? फेज 2 का नहीं है सर, फेज 2 का लगभग 15 दिन में आ जाएगा, 2 हफ्ते में आ जाएगा। अच्छा, 2 हफ्ते में अभी आएगा क्या वो? तो वो रेरा नंबर नहीं आया है अभी तक। नहीं सर, फेज 2 का नहीं है सर, फेज 1 का था अपने पास। शाहपुर जी पालन जी, मार्केटिंग समथिंग जिसका रेरा नंबर नहीं आया है यार, ऐसे थोड़ी करते हो यार। 1-2 दिन, चलो एक दिन 2 दिन पहले से शुरू कर दिया, आज नहीं आया परसों आ जाएगा, हमने रेरा नंबर अभी तक आया नहीं है तो हम मार्केटिंग शुरू कर दिया है, दैट इज वन थिंग यार। बट यार यू आर सेइंग 2 वीक्स लेटर इट इज गोइंग टू कम, बट यू स्टार्टेड मार्केटिंग इट यार। ये सर अभी, हाँ इसका सर अभी हम लोग फेज 1 में जो इन्वेंट्री बाकी थी ना, उसको भी सोल्व करना है सर हमको। नहीं, वो अलग है ना, वो अलग है ना, बट तो नहीं वो अलग है। तो एक लीगल चीज के साथ में एक इल्लीगल चीज का सेल कर रहे हो, जो चीज का रेरा नंबर आया नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन, यू नो, कैन आई ड्राइव माई व्हीकल विदाउट अ रजिस्ट्रेशन? इट इज लाइक दैट ना जी, इट इज लाइक ड्राइविंग अनरजिस्टर्ड व्हीकल ना जी। ये प्री लॉन्च स्टेज में सर टोकन कलेक्ट करते हैं, अलाउड है क्या? आर यू सेइंग दैट रेरा अलाउज इट? रेरा आने के बाद बुकिंग होती है अभी, इसलिए बुकिंग नहीं हो रही सर कोई। नहीं, बुकिंग नहीं मतलब अगर तुम एक अमाउंट कलेक्ट कर रहे हो, तुम यू मे कॉल इट बुकिंग, यू मे कॉल इट ईओआई, बट इट अमाउंट टू सॉलिसिटिंग एंड मार्केटिंग ना। एंड ये चीज सर अमाउंट है वो फेज 1 में ही जा रहा है। नहीं, एक मिनट, यू गाइज आर इंडस्ट्री लीडर, शाहपुर जी पालन जी इज वन ऑफ द बिग नेम्स यार, कोई टॉप 5 बोलो तो उसमें से एक शाहपुर जी पालन जी का नाम तो आ जाएगा जी। यू गाइस आर इंडस्ट्री लीडर, नाउ व्हाट यू आर टेलिंग मी इज यू आर मार्केटिंग समथिंग जिसके लिए रेरा नंबर नहीं है। द होल रेरा एक्ट इज अबाउट नॉट मार्केटिंग समथिंग जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। द ऑफेंस इफ देयर इज एन ऑफेंस, द ऑफेंस इज मार्केटिंग अ प्रोजेक्ट विदाउट रेरा रजिस्ट्रेशन, दैट इज एन ऑफेंस नो? यस सर, दैट इज अंडर रेरा इट इज ना। बट भाई सर अभी जो टोकन कलेक्ट हो रहे हैं ना वो फेज 1 में जा रहे हैं, मतलब फेज 2 का ऑप्शन अभी फेज 2 की अपने पास सर, वो जो रूम साइजेस है कि कितने कौन से फ्लोर पे नहीं, ईओआई मंगा रहे हो? ईओआई उसी टोकन फेज 1 जो एग्जिस्टिंग है जिसका रेरा आ गया है उसके लिए, नाउ यू आर कलेक्टिंग टोकन, नॉट रेरा, नॉट ईओआई। हाँ, तो नॉट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, फेज 1 एंड फेज 2 में दोनों में लिस्ट ही ले सकते हैं। नहीं, आप एक ऑप्शन है बोल के आप एक लीगल चीज और एक इलीगल चीज को बंडल कर रहे हो। यू आर सेइंग हम यूआई सॉलिसिट कर रहे हैं फॉर द प्रोजेक्ट द फेज 2 विच इज नॉट विद रेरा नंबर। करेक्ट, फेज 2 का रेरा नंबर नहीं आया है, नहीं आया सर, नहीं। तो ये यहावी वॉट एवर, वॉट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट? फेज 1, यहावी फेज 1 बना है, यहावी नेम ऑफ द फेज 1।
तो वनाहा का फेज वन का मेरा नंबर आ चुका है, ठीक है। हाँ, जनवरी से आ चुका, यहाँ भी फेज वन का नाम हो गया, ठीक है। तो उसका रेरा नंबर, एक का रेरा नंबर आ चुका है, दूसरे का रेरा नंबर नहीं आया है, नहीं है। ओके, सो यू आर सेइंग मे बी मे 15th को या ऐसे आएगा, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। ओके, तो आपका लॉन्च डेट जो भी है इट इज गोइंग टू बी आफ्टर यू रिसीव द रेरा नंबर। हाँ जी 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 जी, करेक्ट। उसके बाद अपने पास एंड एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स भी आ जाएगी अपने पास। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा ये इंडिसेंट हेस्ट नहीं होता है क्या? क्यों, यानी व्हाट इज द रीजन फॉर हेस्ट? व्हाट डू यू वांट टू मार्केट घाई में? क्यों मार्केट करना है? नहीं, वो प्री लॉन्च स्टेज में सर मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है ताकि लॉन्च के हिसाब से हम करेक्ट करने के लिए अलाउड नहीं होता है। सॉलिसिटिंग इन एनी फॉर्म, रेरा सेज, रेरा एक्ट सेज, सॉलिसिटिंग इन एनी फॉर्म जी, समथिंग विच इज नॉट रेरा रजिस्टर्ड इज एन ऑफेंस। नहीं, तो इसीलिए कंपनी की तरफ से मार्केटिंग नहीं है सर, वो तो हमारे पार्टनर है। अरे यू आर, अरे साकर यू आर फ्रॉम शाहपुर जी, साकर यू आर फ्रॉम शाहपुर जी पालोन जी यार, तो ये कंपनी की तरफ से ही हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बिल्कुल सर हुआ, इसलिए हम लोग सर अभी फेस टू पे डायरेक्ट का भी बुकिंग का इसलिए नहीं ले रहे हम लोग कुछ, लेकिन यू आई ले रहे हो, यू आर टेकिंग 45,000 फॉर फेज वन अकाउंट। वही सर, फेज वन में इन्वेंटरी पूरे सोल्ड आउट नहीं है सर। नहीं, वो 45,000 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यू आर कलेक्टिंग फॉर फेज वन इज इट? यस, नॉट फॉर फेज टू। ऑप्शन इज फेज टू आगे, जैसे अभी देखिए सर फेज वन का भी अलॉटमेंट का जो कुछ फेज वन के लिए टोकन कलेक्ट कर रहे हो ना? सी फेज वन के लिए जो चीज का है लॉन्च हो गया है उसके लिए तुम टोकन कलेक्ट कर रहे हो। हाँ, तो अभी कैसा है सर कि फेज टू का भी जैसे लॉन्च का डेट आएगा, अलॉटमेंट का डेट आएगा, तो तब हम अलॉटमेंट तभी करेंगे जब फेज टू का रेट आएगा। तब ऑप्शन रहेगा कि फेज टू में भी ले सकते हैं, फेज वन में भी ले सकते हैं, जिसमें से जो इन्वेंट्री पसंद है। फेज टू का व्हाट आर यू कलेक्टिंग? यू आर कलेक्टिंग यू आई? हाँ, फेज वन के लिए सर। फेज, यू आर कलेक्टिंग यू आई फॉर फेज वन? यू आर कलेक्टिंग यू आई फॉर फेज वन? हाँ देन व्हाट आर यू मार्केटिंग फेज टू फॉर? जो आप मार्केटिंग कर रहे हो फेज टू का, वो क्या है? एक आप सुन समझ ही नहीं पा रहे सर। देखिए, फेज वन के लिए हम अभी कलेक्ट कर रहे हैं 45,000, ठीक है। फेज वन में भी ऑप्शन है, जब तक के अलॉटमेंट अपना डेट आएगा फेज टू का, तब अपने पास फेज टू के भी 1,000 यूनिट्स रहेंगे, फेज वन के भी जो इन्वेंट्री बाकी वो भी रहेगी, तो वो दोनों ऑप्शन बन जाएगा सर अपने पास। अभी फिलहाल इन्वेंट्री जो बाकी है वो फेज वन में बाकी है अपने पास, फेज टू का भी एग्जैक्ट नहीं आया अपने पास कुछ कि ये स्लैब में ये रेट है, ये स्लैब में ये रेट है, उसका जो बाइफर्केशन होता है सर वो चीज नहीं है। फेज वन फेज टू फेज टू बोल के बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, बहुत यानी चतुर भी है घोड़ा भी है ऐसा सब कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। इसमें दोनों ऑप्शन बन जाते हैं सर, कैसे कि दोनों के लोकेशन अलग है, तो उसके लिए जैसा वो अलॉटमेंट आता है उस टाइम पे दोनों में डिसाइड कर सकते हैं। अगर जैसा फेज वन में जैसे कुछ जो भी इन्वेंट्रीज बाकी, जैसे गार्डन अपार्टमेंट्स थे अपने पास, तो वो अभी भी है, वो हम फेज टू के अलॉटमेंट के टाइम पे ओपन करेंगे, ताकि फेज वन में गार्डन अपार्टमेंट भी कोई ले सकते हैं, फेज टू में बाकी अपार्टमेंट भी ले सकते हैं। पूरा ग्रे एरिया क्रिएट किया है, पूरा ग्रे एरिया क्रिएट किया है, फेज वन फेज टू पूरा एकदम ग्रे एरिया क्रिएट कर रही है। उसका आया भी है नहीं भी आया है, इसका आया है उसका नहीं आया है, ये हम मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके साथ में वो भी ऑप्शन है आपके पास, क्या है यार? क्या है यार? व्हाट इज दिस? हाउ डू यू डू दिस सीरियसली? और दिस इज फ्रॉम शाहपुर जी पालन, कमाल है यार। चलो बाय। एक बात, इनकेस अगर आपको कोई हॉबी